इस आयोजन में ममता सिंह ने अभी जिनको आप सुन रहे थे हमारे उत्तराखंड सरकार की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की सचिव श्रीमती सौजन्य जी, यूपोस्ट के डायरेक्टर श्री डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल जी, सीएसआईआर आईएचबीटी से आए डॉक्टर संजय कुमार जी डायरेक्टर, और जिस कैंपस में आज कार्यक्रम हो रहा है, और मैं सच कहूं तो पिछले 20 सालों में मैंने जहां दो विश्वविद्यालय, चार परिसर और कितने कैंपस हो, हॉस्पिटल और लगभग 22,500 स्टूडेंट इसमें शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कमल हंसाला जी, और इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न संस्थाओं से आए हमारे सभी निदेशकगण, सभी वैज्ञानिकगण, हमारे शोध करने वाले सभी, पढ़ने वाले सभी वैज्ञानिक, नए युवा शिक्षार्थी और शोधार्थी और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, मैं सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत ही शानदार कार्यक्रम, और जब मैं आया था तो मुझे लग रहा था कि नीचे किसी हॉल में या कहीं पर नीचे कार्यक्रम हो रहा होगा, लेकिन जहां मैं देख रहा हूं बिल्कुल एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, और सारे के सारे लोग इतने विद्वान, सौजन्य जी को फटाफट बोल दी अपना भाषण, और जब इतने सारे विद्वान बैठे हैं क्यों भी काफी तो उनके साथ में ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं लंबे समय से क्या मैंने 10 साल से विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर ली, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का स्टूडेंट रहा हूं, और विश्वविद्यालय के बहुत सारे कार्यक्रमों में रहता था, क्योंकि एक घर परिवार के बाद सबसे ज्यादा अगर काम करने का अवसर कहीं मिला, कहीं सीखने का अवसर मिला तो वो यूनिवर्सिटी के कैंपस में मिला, तो मैंने महसूस किया कि जब इतने सारे विद्वान बैठे हों तो उनके सामने कोई बोलना नहीं चाहता है, सच है कि नहीं, ये बताइए आप शुरू क्यों प्रोफेसर पंत साहब, बताइए आप लेकिन फिर भी आप सब लोगों ने बुलाया है, तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है अस्तो मां शब्दों में तमसो मां ज्योति, अर्थात सत्य की निरंतर खोज करते रहना ही विज्ञान है, विज्ञान चिरंतन है, विज्ञान सूक्ष्म है, विज्ञान व्यापक है, और जब दुनिया के लोग ज्ञान विज्ञान के बारे में नहीं जानते थे तब हमारे देश में पुष्पक विमान के बारे में वाल्मीकि जी ने जो है उस समय लिख दिया, महाभारत जब शुरू हुआ ये थोड़ा इससे अलग बोल रहा हूं, चल रहा है, तो जब महाभारत हुआ तो महाभारत में एक अस्त्र आया था ब्रह्मास्त्र, वो आप जो हमारे ऋषि, कहने का तात्पर्य यह है कि जो हमारे ऋषि मुनि, जो वैज्ञानिक उस समय के जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो केवल बात नहीं करते थे, उनके हर क्रिया के पीछे, हर काम के पीछे एक वैज्ञानिक, जो आज हमारे सोच करने के बाद चीजों को ला रहे हैं, वो उस समय भी वैज्ञानिक थे,
इसलिए तो उन्होंने ब्रह्मास्त्र दिया था। जैसे आज परमाणु है तो उस समय ब्रह्मास्त्र था, इसे परमाणु सब समाप्त कर देता है। वैसे ही जो है आज उस समय में जो है ब्रह्मास्त्र होता था। ऐसे अनेकों अनेकों उदाहरण हैं। जैसे पृथ्वीराज चौहान फिल्म देखी होगी, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। हमने यहां उत्तराखंड में उसको टैक्स फ्री ही कर दिया है ना। तो उसमें मैं देख रहा था कि जब एक बार बाधित होने के बाद दोबारा से जो है वो दिल्ली पर और वहां पर जब हमले की आक्रमण की तैयारी कर रहे थे और जब युद्ध चल रहा था, तो हालांकि बाद में छदम युद्ध हुआ और छदम युद्ध होने के बाद रात के समय में जो हुआ उस पिक्चर में पूरा दिखाया गया है। तो उनका कहना था कि हम भारत के लोगों को हरा नहीं सकते, भारत के लोगों को हम भिगा नहीं सकते, उनको पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि वो जिसको हम एक जमीन का टुकड़ा समझते हैं वो कहते हैं हमारी मां है, अपनी मां को कैसे जाने देंगे, अपनी मां के ऊपर कैसे आक्रमण करने देंगे, अपनी मां पर कैसे किसी को आने देंगे। तो इसलिए इनके अंदर एक अलग प्रकार का जो इनका भाव है, यही हमें पूरी दुनिया से अलग बनाता है।